दिल्ली के लाल किले का शुमार किया जाता है दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर इमारतों में। इसे दर्ज किया गया है हिंदुस्तान के खाते में विश्व विरासत के रूप में भी। इसका निर्माण करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जिसे अपने ज़माने का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता था। उसने इसके निर्माण में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तब से अब तक यह पहचान बन चुका है हिंदुस्तान की, और न जाने कितने उतार चढ़ाव इतिहास के इसने देखे। किलाए मुबारक नाम से मशहूर लाल किला दिल्ली शहर के भीतर बसा एक छोटा सा अनूठा शहर था। शाही महलों, खूबसूरत मस्जिदों और नायाब इमारतों से भरपूर। यह मिसाल था उस दौर में हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और बुलंद हस्ती का। आज जो इमारतें नजर आती हैं, वह सिर्फ एक चौथाई हिस्सा हैं उन भवनों का जिन्हें शाहजहां और उसके वारिसों ने बनवाया। शाहजहानाबाद वॉज इफेक्टिवली शाहजहांस ग्रेट न्यू सिटी। इट वॉज ब्रिंगिंग द मुगल एम्पायर बैक टू दिल्ली एंड क्रिएटिंग not just a fort but a city within a city and beyond, and it is evidence of a grand urban design of the Mughals in India. Its morphology is so clear of dream of an emperor to build a new city, and this of course was true historically of Delhi. Every emperor built a new city, but Shah Jahan is perhaps the best survivor. शाहजहां के शासनकाल में लाल किला नए नवेले शहर शाहजहानाबाद के सर का मुकुट था। मुगल बादशाह उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझा जाता था। शाहजहां के वारिस औरंगजेब ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दक्खन में बिताया और लाल किले को उसने कोई खास अहमियत नहीं दी। उसके बाद तख्त पर बैठने वाले मुगल शहजादे बहुत कमजोर साबित हुए। शाह आलम हो या फरूख सियर, किसी में यह दमखम नहीं था कि वह लाल किले की शानो शौकत को बरकरार रख सके। द डिफरेंस बिटवीन द रेड फोर्ट एंड द अर्लियर मुगल फोर्ट्स, वेदर यू लुक एट आगरा, वेदर यू लुक एट लाहौर, वेदर यू लुक एट इलाहाबाद, वाज दैट दीज अर्लियर फोर्ट्स वर बिल्ट अप ओवर टाइम। So they were amalgamations of acts of patronage of different rulers. The Red Fort is the only one that was built, conceived as an entity at one time and together with a city, with an entirely new city, you know, which is an enormous feat. किले की हिफाजत के लिए मजबूत दीवारें और दरवाजे बनवाए गए थे। परकोटे के साथ साथ तीन और खाई खोदी गई थी। इस किले का फैलाव उत्तर से दक्षिण तक कोई 1 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक लगभग आधा किलोमीटर है। फौजी किलेबंदी में भी सजावटी कारीगरी 4 चांद लगाती है। आगरा के किले की छाप यहां हर जगह झलकती है। अकबर का बनाया हुआ जो आगरा किला है, उसमें भी एक खौफ और एक आदमी के ऊपर एक रौब तारी होता है जब आगरा किले में दाखिल होता है। लेकिन जब हम लाल किले में दाखिल होते हैं तो वो खौफ, वो एग्रेसिवनेस, या जैसे कोई ऐसे माहौल में हम जा रहे हैं जहाँ कोई प्रेशर हमारे जहन पर डाल रहा है। शाहजहाँ के यहाँ जो कल्चर था, जो एस्थेटिक सेंस था, वो लाल किले से जाहिर होता है। लाल किले के दक्षिण की ओर दिल्ली दरवाजा है। बाहरी दरवाजे से होकर घुमावदार रास्ता किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचाता है। इस दरवाजे को बारीक नक्काशियों से सजाया गया है। एक ऊंचा बुर्ज
इस दरवाजे की रखवाली करता है। लाल किले की पश्चिमी दीवार के बीचों बीच लाहौरी दरवाजा बना है। ये शहर के दिल चांदनी चौक की तरफ खुलता है। पुराने चित्रों से ये बात पता चलती है कि गुजरे जमाने में यहाँ कैसी चहल पहल रहती थी। जब औरंगजेब अपने पिता को हटाकर तख्त पर बैठा तो उसने लाहौरी गेट को बख्तरगंज बनाने के लिए इसके सामने एक छोटा बुर्ज खड़ा कर दिया। औरंगजेब एडेड अ बारबिकन व्हिच इज अ डबल गेट डिस्क्राइब्ड देन बाय शाहजहां एज पुटिंग अ वेल अक्रॉस द फेस ऑफ अ वुमन बिकॉज़ हिज गेट वाज सो स्प्लेंडिफरस टू क्रिएट अ बारबिकन इन फ्रंट ऑफ इट वाज फॉर हिम क्लोजिंग द होल लिंकेज ही हैड that had been conceived of this gate as the main entrance facing Chandni Chowk. So that was lost. दीवाने आम तीन तरफ से खुला और खूबसूरत मेहराबदार खंभों पर टिकी छत वाला एक ऐसा स्थान है जहां मुगल शासक अपने आवाम से रूबरू होते थे। बादशाह के बैठने वाला तख्त जमीन की सतह से करीब 10 फुट ऊपर एक मंडप में रखा जाता था। तख्त के एन ऊपर बनी ऑर्फियस की तस्वीर से पता चलता है कि इस भवन की सजावट के लिए कुछ यूरोपीय कारीगरों को भी तैनात किया गया था। दीवारों पर रंगीन पच्चीकारी के लिए ऐसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो फूल, पत्तों और पशु पक्षियों के कुदरती रंगों से मेल खाते हैं। उस वक्त की तस्वीरें गुजरे जमाने की खुशगवार यादों को आज भी ताजा करती हैं। इसे एक विडंबना ही समझा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया उसके नसीब में अपनी जिंदगी के दिन यहाँ अमन चैन से बिताना नहीं बना था। उसके बेटे औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया, तख्त पर कब्जा किया और उसे भेज दिया आगरे के लाल किले में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बिताने के लिए। खुद औरंगजेब के पास अपने दक्षिण अभियान में व्यस्त रहने के कारण यहाँ दिल्ली के लाल किले में बिताने को समय नहीं था। उसके अपने उत्तराधिकारी दुर्बल थे, अपने पुरखों से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनकी रुचि राजकाज में कम, भोग विलास में ज़्यादा थी। उन दिनों यह दीवान आम एक न्यायपालिका नहीं रह गया, यह दरबार नहीं रह गया, यह जगह बन गया एक ऐसा मंच जहाँ मुशायरे जुटते थे, संगीत और नाच की महफिलें होती थीं। उन दिनों यहाँ आना जाना दिल्ली के आम नागरिक के लिए अधिक आसान हो गया और दिल्ली का लाल किला उनकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया। दीवाने खास वह जगह है जहाँ बादशाह अपने खास अमीर उमरा और ऊंचे ओहदे वाले मनसबदारों से मुलाकात करते थे। खालिस सोने का बना मोर की शक्ल वाला वह तख्ते ताउस यहीं रखा रहता था जिसे लूट कर नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया। पुरानी तस्वीरों से पता चलता है कि दीवारों और खंभों पर सुनहरी चादर चढ़ी थी और दीवार पर जड़ाऊ काम के लिए असली जवाहरातों का इस्तेमाल किया गया था। Extraordinary proportion of colonnade and arches with the emperor's takht at the far end, wonderfully painted, inlaid, gilded and painted. So it's a combination of all the high art. दीवाने खास की तड़क भड़क और शानो शौकत का जिक्र कई विदेशियों ने अपने सफरनामों में किया है।
उनका बयान है कि दीवाने खास की छत चांदी की बनी थी। जब नालायक अय्याश और फिजूल खर्च मुगल बादशाहों ने अपना खजाना खाली कर दिया, तब अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए उन्हें चांदी की इस छत को उखड़वाने के लिए मजबूर होना पड़ा। It is the most important piece of urban palace architecture anywhere in the world. Therefore, it has a preeminent place as a fort and a palace in India and anywhere else from the medieval times onwards. It also has several lessons today in terms of how we can plan our cities, our residences, gardens, art objects, a whole range of things. खास महल एक बेहद खूबसूरत इमारत है जिसका इस्तेमाल अंतरंग बैठकों के लिए किया जाता था। बादशाह की नेक दिली और इंसाफ पसंदी को जाहिर करने के लिए इंसाफ के तराजू को भी यहीं दिखलाया गया है। यहां पच्चीकारी की बेहतरीन नुमाइश की गई है। They drew in craftsmen from all over India. So you get this Indian craftsman in an Islamic building, and it's a mesh of Persian, Indian, Kashmiri, Rajasthani, Gujarati art all coming together to create Mughal art. And that effectively, I think, was its greatness, is it was the fusion of their recognition of great art from all over. It came together so faultlessly. बादशाह के निजी इस्तेमाल वाले इस पुरसुकून महल में शाही परिवार के अन्य सदस्यों के रहने की व्यवस्था भी थी। पर्दों के लिए पत्थरों की महीन जालियां लगाई गई थीं। इस भवन में सिर्फ ख्वाबगाह ही नहीं, छोटी बड़ी बैठकें भी हैं। नहरे बहिश्त खास महल के बीच से गुजरती है और कुदरती तौर पर इस भवन को ठंडा रखती थी। The city of Shahjahanabad, in Stephen Blake's phrase, was Mughal Empire in miniature form. So if you look at it, you can see how the emperor would have liked his empire to be and how he would have liked it to run. राजकाज के काम की थकान मिटाने के लिए मनोरंजन की दरकार रहती है, उसी का इंतजाम रंग महल में किया गया था। बादशाह यहां शतरंज या चौपड़ खेल सकते थे, शेरो शायरी का लुत्फ उठा सकते थे, या यहीं ख्वाबगाह नामक शयन कक्ष में जाने के पहले अपनी रानियों के साथ हंसी मजाक कर सकते थे। It's just a profusion of pleasure palaces. So you could see, and the linkage between the Zanana palaces and the king's palaces is through this linked with the Nehre Bisht, which is a grand scheme of water flowing through the palaces. All along the waterfront, so at all times of the year. किले में पानी की सप्लाई का बेहतरीन बंदोबस्त नहरे बहिष्ट के जरिए किया गया था। इस नहर के द्वारा यमुना का पानी शाहबुर्ज के पास किले में प्रवेश करता था। छोटे छोटे झरनों से गुजरता ये पानी आगे बह निकलता। पानी की ये धारा महल के भवनों को तो ठंडा रखती ही थी, इर्द गिर्द के माहौल को भी तरावट पहुंचाती थी।
यहाँ लाल किले के दीवाने खास की दीवार पर कुछ मार्मिक पंक्तियाँ खुदी हुई हैं। फारसी में लिखा हुआ है, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, अर्थात यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ है। इसे घोर दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि यहाँ लाल किले ने स्वर्ग के जैसे सुख भोगे हैं तो वहाँ नर्क के जैसे दुख भी इसकी किस्मत में लिखे हुए थे। यहाँ मुग़ल बादशाहों ने शान व शौकत की ज़िंदगी बसर की, मगर कभी जब उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा तो आक्रमणकारी उन्हें अपमानित तिरस्कृत कर यहाँ से लूट खसोट कर यहाँ की संपदा को ले गया। नादिर शाह ने यहीं से कत्लेआम का संचालन किया, तख्त ताऊस लूट कर ले गया और ले गया अपने साथ जगमगाता कोहिनूर। यह भी कहा जाता है कि ऐसा सिर्फ आक्रमणकारियों ने नहीं किया, अपनी गुर्बत के दिनों में दुर्भाग्य से घिरे मुग़ल बादशाहों ने और उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस किले की लूट खसोट में कोई कसर नहीं की। मध्य एशिया से हिंदुस्तान पहुंचे अपने पुरखों की तरह शाहजहां को भी पानी से बेहद लगाव था। मुगल महलों में इस तरह के हमाम का इस्तेमाल सिर्फ नहाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि पानी के साथ तफरी लेने का मौका यहां राज परिवार को मिलता था। Luxurious bathing areas or the hammams that have very interesting water systems of how the hot vapors were generated through water channels and then the entire system of how it was used. There is a dressing room on the on another side, and all these spaces have very interesting inlay work in semi-precious stones. हमाम में बड़े बड़े हॉलनुमा कमरे हैं और पानी के हौद तथा पत्थर के चौड़े तख्त हैं। इस स्नानागार को भी एक खूबसूरत महल के सांचे में इस तरह ढालना इसे बनवाने वाले की सुरुचि का प्रमाण है। What the Red Fort exemplifies is this courtyard typology, where internal space and external space are very well meshed, they're very well integrated. So in a sense, you can't even say that, you know, this is where my outside space is ending and this is where my internal space is beginning. छोटी सी खूबसूरत मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारी बातों में अपने पिता के कट्टर विरोधी औरंगजेब ने मोती मस्जिद के निर्माण के लिए शाहजहां के पसंदीदा सफेद संगमरमर का ही इस्तेमाल किया है। इस मस्जिद की दीवारें बहुत नाजुक और पतली हैं और गुंबद भी विशालकाय नहीं। लाल किले के अहाते में जितनी इमारतें हम देखते हैं उन सभी का निर्माण मुगलों ने नहीं करवाया। इनमें से कुछ बनवाई हुई हैं अंग्रेजों की, जो सैनिक गार्डों के रूप में बैरक आज भी दिखलाई देती हैं। इन्हें बनवाया गया था 1857 में, जब भारत में फूट पड़ी थी चिंगारी पहले स्वाधीनता संग्राम की। उस वक्त लाल किले में रहने वाले आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बागियों की कमान संभाली थी। बाद में उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने वह मार्मिक पंक्तियाँ लिखीं, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में, वो दफन किए गए दूर देश रंगून में। उसके बाद से लाल किला प्रतीक और प्रेरणा स्रोत बना रहा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का। अठारह में पूरे हिंदुस्तान में भूचाल सा आ गया। आज़ादी की पहली लड़ाई का बिगुल लाल किले में ही फूका गया। उथल पुथल के बाद लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और ये शाही महल पलक झपकते फिरंगियों की छावनी में तब्दील हो गया।
when the British made the shift from being glorified traders to empire builders, that they occupied the Red Fort in Delhi. It was a statement of power. They were the next emperors. And that caused a lot of destruction. They destroyed the Charbaghs, they destroyed much of the fort. Perhaps one is most offended at the Delhi Fort, where buildings of such beauty and gardens of such perfection were so destroyed. अंग्रेजों को इस बात की रत्ती भर फिक्र नहीं थी कि उनके कारण लाल किले की कितनी तबाही हो रही है। बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने सिपाहियों को यहां तैनात किया और उनके रहने के लिए बदशक्ल बैरकें बनवाई। मुगल्स, although they came from outside, finally became Indians. They were not sending revenues and monies and wealth outside India. They settled down in the real India of plurality, of diversity, of many religions, of many languages, of many art practices. And they all felt at home with that. That is one big thing which the British could not. I mean, our problem with the British was that the British were not Indians, but Mughals were Indian. इस तस्वीर में लाल किले का वह दिलकश चेहरा नजर आता है जब इसे बनाया गया था और ये अपने पूरे निखार पर था। इसमें साफ नजर आते हैं तमाम खूबसूरत महल और बाग। ईस्ट इंडिया कंपनी के लालची अफसरों ने बेरहमी से लूटपाट की और इस तरह का हवा पैदा किया कि आगे चलकर कोई भी उनकी ताकत को चुनौती ना दे सके। There was widespread looting. First, it was just as, you know, by bands of soldiers, and then later it was as an organized activity where the crown actually listed the movable assets of the fort, which included the gilded copper domes of the Musamman Burj, the Moti Masjid, the precious stones that were inlaid in the Diwane Khas, in the Khas Mahal, in the Diwane Aam, in the emperor's throne. So all those were taken out and were, you know, as a part of an organized activity. But the order for the destruction of the parts, the structures of the fort, that was actually implemented in 1860. So it took 3 years, which means that it was a premeditated act. It was not something that was just happened. सिर्फ अंग्रेजों ने इस किले को घायल नहीं किया, घुसपैठ और नाजायज कब्जों की हरकतें आजादी के बाद भी जारी रही। लाल किला सदियों से प्रेरणा देता रहा है हर हिंदुस्तानी को, शायरों और कलाकारों को। जफर, गालिब और जौक की यादें जुड़ी हैं इसके साथ। यह एक भव्य किला ही नहीं, जीती जागती पहचान है आजाद हिंदुस्तान की। इस नायाब धरोहर को हमें स्नेह और जतन से आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना है।